सोने की लंका लेकर चले जाता है। और कितना भोला मेरा देवाधिदेव महादेव, कितना भोला। रावण ने कह दिया आपकी धर्म पत्नी बड़ी सुंदर है, पार्वती नहीं, रावण कह रहा है। मैं माता को अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूं, ले जा। ले जा। कितनी विचित्र बात है, रावण ने पार्वती जी को पालकी में बिठाया, ले जाने लगा। पार्वती जी शिव जी को देख रही, आपने अपनी अर्धांगिनी को भेज दिया। शिव जी ने कहा तू चिंता मत कर, मुझे तुझमें से एक देवी प्रकट करनी है और वो रावण लेकर जाएगा तभी प्रकट होगा। इतनी सुंदर मां पार्वती, लेकर रावण चला। बीच रास्ते में भगवान शंकर ने षडानंद कार्तिकेय को भेज दिया और षडानंद कार्तिकेय के बीच रास्ते में जाकर बोले अरे लंकाधिपति। कार्तिकेय ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया और लंकाधिपति रावण से कहा किसको ले जा रहे हो। रावण कह रहा है दुनिया की सबसे सुंदर नारी को, पार्वती जी को लेकर जा रहा हूं। अच्छा, अरे वो देव अधिदेव महादेव है, अपनी धर्म पत्नी को इतनी जल्दी तेरे को देकर भेज ही नहीं सकता। तू जो पालकी में लेके जा रहा है वो सुंदर हो ही नहीं सकती। अरे कैसे कह सकते हो वो सुंदर नहीं है, कैसे कह सकते हो वो सुंदर नहीं है। लंकाधिपति रावण ने जो पालकी में से वस्त्र हटाया, मां काल रात्रि काली उसी पालकी में बैठी हुई थी। रावण भय खाकर भागा लंका के लिए, तुरंत रावण भय खाकर भागा। पार्वती मैया महाकाली ने पीछे से रावण को पकड़ा और पकड़कर महाकाली ने कहा अब तेरा विनाश का समय आ गया। जब घर की नारी को, स्त्री को, मां को, या कोई भी स्त्री को, नारी को, माता को जब कोई गलत दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देता है, समझ लो उसका विनाश का समय नजदीक आ गया, अब उसको जाना पड़ता है। जब नारी, जब स्त्री गलत दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया, समझ लो बस बर्बादी का सिरा सम्मुख में आ गए, अब जाना ही पड़ेगा, नजदीक आ गया। 7 दिन दिए हैं राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित कहते हैं कि आप कह रहे हो